वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है। हिंदी के कुछ और नए क्वेश्चन लेकर हम एक बार फिर से आपके सामने आए हैं। ये क्वेश्चन जो है TAT एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं, क्योंकि ये तमाम स्टेट में जिस तरीके से TAT की परीक्षा होती है वहाँ से हमने ये क्वेश्चन का सिलेक्शन किया है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे। अगर आपका हिंदी मीडियम है तो आपने अपनी हिंदी इतनी अच्छी कर लेनी है कि कम से कम 25 नंबर जो है आपको हिंदी में मिलना चाहिए। अगर आप हिंदी इतनी अच्छी कर लेते और किसी एक सब्जेक्ट में आपको मार्क्स कम भी होते तब भी आप 90-95 जो है अगले 58 दिन में आराम से अपना स्कोर बना सकते हैं। आपने कुछ इस तरीके से पकड़ लेना है कि 25 अगर आपको हिंदी में मिलते हैं, 18 सेकंड लैंग्वेज CDP में अगर आप 17 भी पकड़ लेते हो तो ये टोटल फिगर जो है आपका हो जाता है 60, मतलब 60 नंबर जो है आपको यहाँ से ही मिल जाते हैं 90 में से। और उसके बाद रह जाता है आपका SST मतलब सोशल साइंस, तो सोशल साइंस 60 मार्क्स का बाकी होता है, उसमें से आपको बस 30 नंबर निकालने, मतलब सिर्फ आधे नंबर जो है आपको सोशल से निकालने हैं। अगर आप एक सब्जेक्ट को अच्छा कर लेंगे हिंदी को, क्योंकि हिंदी का क्वेश्चन पेपर जो है वो थोड़ा बेहतर होता है बाकी मीडियम के क्वेश्चन पेपर से, मतलब हिंदी लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं, तो इस तरीके से आप 90+ जो है आसानी से कर सकते हैं। आपको पता है कि TAT का जो रिजल्ट है वो 2-3% से ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन आप अगले 58 दिन बस आपने मेहनत कर लेनी है, थोड़ा बहुत जो भी आपने एफर्ट लगा लेना है, इंशाल्लाह आपको जो है 90 या 100 से ज़्यादा नंबर हिंदी में और हिंदी मीडियम के बच्चों को TAT की परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। हम पेपर एक पेपर दो की बात करते इस तरीके से, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि आधुनिक मीरा कहा जाता है, डैश डैश को आधुनिक मीरा कहा जाता है। बहुत बहुत चर्चिला ये सवाल है हर एग्ज़ाम में, हर स्टेट के एग्ज़ाम में, क्योंकि हिंदी जो है वो तमाम स्टेट में होती है, हम सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहे, हर स्टेट के TAT पेपर में जो है हिंदी होती है, तो ये हर जगह पर सवाल पूछा जाता है। हिंदी का सबसे फेवरेट सवाल मैं इसको मानूंगा पर्सनली। और आधुनिक मीरा किसको कहा जाता है, तो सबको पता है कि महादेवी वर्मा को जो है आधुनिक मीरा कहा जाता है, साथ ही साथ इनको हिंदी की सरस्वती भी कहा जाता है, हिंदी के मंदिर की सरस्वती भी इनको कहा जाता है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरीके से पूछा जा चुका है कि जिन्होंने कामायनी लिखा था जयशंकर प्रसाद, उनके बारे में पूछा जा रहा है कि जयशंकर प्रसाद का संबंध किस काव्य प्रवृत्ति से है। देखिए कामायनी जो है इनकी सबसे चर्चित जो है रचना है, कामायनी को भी आप याद रखेंगे, और इनका संबंध किससे है यहाँ पर पूछा जा रहा है। चार ऑप्शन आपको दिए गए, चार ऑप्शन आपको देख लेना है, और छायावाद जहाँ पर आपको दिखता है उसको आपको निशान लगा देना है, मतलब छायावाद जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। हिंदी के वीडियोस बहुत कम हैं पूरे यूट्यूब में, महाटेट की हम बात कर रहे हैं, तो हम आपके लिए जो है स्पेशल कुछ अच्छे अच्छे प्रश्न निकाल कर ला रहे हैं, तो आपके सपोर्ट की हमें बहुत बहुत ज़रूरत है। उसके बाद सवाल नंबर 3 आप यहाँ पर देखेंगे कि डिसलेक्सिया क्या है। अब डिसलेक्सिया क्या है, ये सवाल भी जो है बार बार कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलेगा, लैंग्वेज फर्स्ट में, लैंग्वेज सेकंड में, या फिर बाल मानस शास्त्र व अध्यापन शास्त्र में, ये आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा। बहुत बार साइंस में भी और SST में भी ये पूछा जाता है। तो डिसलेक्सिया क्या है, डिसलेक्सिया जो है वो पठन संबंधी विकार है, मतलब पढ़ने में बच्चे को जो दिक्कत होती है उसको हम डिसलेक्सिया कहते हैं, लिखने में जो दिक्कत होती है उसको हम डिसग्राफिया कहते हैं, और गणित में जो दिक्कत होती है उसको हम डिसकैलकुलिया कहते हैं। ये 3 चीज़ें याद रखेंगे, 3 में से एक नंबर आपको 101% जो है महाटेट के एग्ज़ाम में मिलना है जो 10 नवंबर को पेपर होते हैं। तो सिर्फ ये 3 बातें आप याद रखेंगे कि डिसलेक्सिया जो है वो पढ़ने से संबंधित है, डिसग्राफिया जो है वो लिखने से संबंधित, और डिसकैलकुलिया जो है वो गणित से संबंधित है। इसके अलावा 4था प्रश्न इसमें से नहीं पूछा जाता है। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4 इस तरीके से है आपके सामने यहाँ पर कि संतोष शब्द का संधि विच्छेद है। अब देखिए संतोष शब्द का सही संधि विच्छेद हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, ये जो है इसका सही संधि विच्छेद हो जाता है। उसके बाद सवाल नंबर 5 बड़ा आसान सा सवाल है, UP TAT में पूछा गया सवाल है कि समास शब्द का अर्थ है, समास शब्द का अर्थ होता है संक्षेप, क्योंकि कम शब्दों में ही समाज जो है सारी बातें बता देता है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका हमारा वो सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पर पूछा गया है कि पुरोहित में उपसर्ग है, अब देखिए पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है, पुरो प्लस हित, ठीक है, तो यहाँ पर हमको पुरोहित में उपसर्ग देखना है, तो देखिए पुरो हम इसके लिए ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा वो सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हित जो है इसका वो प्रत्यय माना जाएगा। उसके बाद सवाल नंबर 7 हम देखते हैं कि दोषहर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए, तो सीधा सीधा यहाँ पर दोष प्लस हर्ता, यानी यहाँ पर प्रत्यय क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका ये जवाब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 8 यहाँ पर आपको पूछा गया है कि सवाल नंबर 8 कुछ इस तरीके से पूछा गया कि ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल था, ये भी UP TAT में पूछा गया सवाल है।
भुजंग का पर्यायी वाची शब्द नहीं है। देखिए भुजंग का पर्यायी वाची शब्द नहीं है, यहाँ पर देखना है आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है, कम से कम 20+ क्वेश्चन 150 में से आपको नहीं है वाले देखने के लिए मिलेंगे। तो आपका माइंड उस वक्त चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सवाल अगर आपने मिस कर दिए तो आपका नुकसान हो सकता है। तो नहीं है मतलब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भुजंग के पर्यायी वाची शब्द तीन तो है लेकिन एक नहीं है, तो गरुड़ जो है वो नहीं है, बाकी जो तीनों है वो भुजंग के पर्यायी वाची शब्द हो जाते हैं। तो मतलब ऑप्शन नंबर दो जो है हमारा वो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद हम अगले सवाल की तरफ आते हैं, प्रश्न नौ, क्वेश्चन नंबर नौ इस तरीके से पूछा गया कि त्रिकाल शब्द का अर्थ है। देखिए त्रिकाल शब्द का अर्थ होता है सर्वज्ञ, मतलब प्रश्न ऑप्शन नंबर चार जो है इसका वो सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं सवाल नंबर दस, सवाल नंबर दस पूछा जा रहा है कि स्त्री जो अभिनय करती है वाक्यांश के लिए एक शब्द। देखिए स्त्री जो अभिनय करती है इसके लिए एक शब्द में आपको जवाब देना है, चार पर्याय आपके सामने दिए गए, नर्तकी, नदी, अभिनेत्री या गायिका। तो स्त्री जो अभिनय करती है उसको हम अभिनेत्री कहते हैं, आप इसको एक्ट्रेस भी कह सकते हैं इंग्लिश में। उसके बाद प्रश्न नंबर 11 हम देखेंगे, इस तरीके से पूछा गया कि उद्गम शब्द का विलोमार्थक शब्द है। देखिए विलोमार्थक शब्द, विलोमार्थक शब्द यानी अपोजिट वर्ड यानी विरुद्धार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द आपको यहाँ पर देखना है। और इसका जो विरुद्धार्थी शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो, आलस्य जो है इसका वो विरुद्धार्थी शब्द हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 12 ये रहा आपके सामने, जो बात लोगों से सुनी गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जो बात लोगों से सुनी गई हो इसके लिए एक शब्द क्या माना जाएगा। चार पर्याय आपके सामने दिए गए हैं और इसके सही जवाब जो होगा वो होगा किंवदंती। उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 13, सवाल नंबर 13 इस तरीके से है कि आँखों के अंधे गांठ के पूरे मुहावरे का अर्थ है। आँखों के अंधे गांठ के पूरे इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, गरीब किंतु अकलमंद इसका जो है वो सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम अब आते हैं, और सवाल नंबर 14 यहाँ पर पूछा गया कि चोरों के पैर नहीं होते मुहावरे का अर्थ है। देखिए चोरों के पैर नहीं होते मुहावरे का अर्थ है, इसका सही जवाब हो जाएगा कि पापी का जो मन होता है वो हमेशा अस्थिर होता है, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 15, सवाल नंबर 15 इस तरीके से आपके सामने है, वीडियो बेहतर लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सवाल नंबर 15 यहाँ पर पूछा गया कि कृतिलता किस भाषा की रचना है। ये IMP क्वेश्चन है, आप इसको याद ही कर लेंगे कि कृतिलता किस भाषा की रचना है, तो अवहट भाषा की रचना कृतिलता मानी जाती है। उसके बाद सवाल नंबर 16 इस तरीके से पूछा जा रहा है कि चंदायान किस कवि की रचना है, तो ये मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायान, ठीक है। उसके बाद हम अगले सवाल की तरफ आते हैं, सवाल नंबर 17 इस तरीके से आपके सामने है। तो देखिए ये जो है पैडागॉजी हो जाती है, क्योंकि TAT में एक बेनिफिट हिंदी मीडियम वालों को ये भी मिलता है कि वहाँ पर 4-5 नंबर की पैडागॉजी पूछी जाती है, जिस तरीके से CTET में पूछी जाती है, मतलब लैंग्वेज पैडागॉजी हम इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो है मतलब एक गेस करके भी अपना आंसर जो है वो सही दे सकते हैं, बस बच्चे को लेकर आपने पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव चीज़ों को आपने डायरेक्ट जो है कट कर देना, जैसा व्याकरण अलंकार ये चीज़ें नहीं आती है, रटना ये चीज़ें नहीं आती है, सिंपल सी चीज़ें आती है, मतलब बच्चे को आपको आपने बच्चे को अपना दोस्त समझ लेना है और उस हिसाब से आपने जवाब देना है। सवाल पूछा जा रहा है कि भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। देखिए फिर से एक बार नहीं है वाला सवाल यहाँ पर पूछा गया है कि भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तीन तो है लेकिन एक नहीं है, अब वो हमको यहाँ से ढूंढना है। सही रूप में समझना, देखिए व्याकरण का नियम आ जाता है और रटने की बात आ रही है, मैंने अभी आपको बताया कि रटना, व्याकरण, अलंकार ये तमाम चीज़ें आती है, ये जवाब नहीं होते हैं, ये 99% जो है जवाब नहीं होते। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे अपनी नोट्स पर, अपनी कॉपी में आप इन चीज़ों को लिख के रख लेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको हिंदी में जो है 25 नंबर लेने हैं, और अगर आपने हिंदी में 25 नंबर ले लिए तो आप डेफिनेटली 101% पेपर एक हो पेपर दो हो आप लोग जो है TAT क्वालिफाइड कर लेंगे। और TAT क्वालिफाइड करना अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि 3-4% से इसका रिजल्ट कभी ज़्यादा आता नहीं है, इस बार आप लोग इसको क्रैक करने वाले हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दो जो है हमारा वो सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न इस तरीके से पूछा गया है कि भाषा शिक्षण की प्रक्रिया। अब देखिए ये भी पैडागॉजी टाइप का ही क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण की प्रक्रिया आपको बतानी है, विभिन्न विषयों की कक्षाओं में संभव है, अत्यंत जटिल प्रक्रिया है, भाषा की कक्षा में ही संभव है, घर में संभव है। तो देखिए सीधा सिंपल सा जवाब है कि विभिन्न विषय की कक्षा में भी संभव है, क्योंकि भाषा आप जो है कहीं पर भी सिखा सकते हैं, वो कोई भी क्लास हो लेकिन आप लैंग्वेज वहाँ पर जाकर सिखा सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने कुछ इस तरीके से है, 19वां प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भाषा शिक्षक का दायित्व है कि वह, देखिए एक लैंग्वेज टीचर का दायित्व क्या होता है, सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य दे, सभी बच्चों में भाषा प्रयोग की एक समान कुशलता विकसित करे, सभी बच्चों से समान रूप से प्रश्न पूछे, सभी बच्चों की सहज भाषाई क्षमता को पहचाने। देखिए यहाँ पर चारों जवाब जो है वो सही माने जाएंगे, लेकिन आपको इसमें से सबसे बेहतर जवाब को सिलेक्ट करना है, इसी को हम पैडागॉजी कहते हैं और इसी को हम अपनी गेसिंग अपनी स्किल कहते हैं। चारों जवाब सही है लेकिन आपको बेहतर से बेहतर जवाब को यहाँ पर चुनना है, तो बेहतर जवाब हो जाएगा
सभी बच्चों में भाषा प्रयोग की एक समान कुशलता विकसित करे। तो देखिए ये भाषा प्रयोग भी जहाँ जहाँ आता है डायरेक्ट आपने उसको उत्तर दे देना है, तुक्का लगा देना है। मैं 101% बोल रहा हूँ कि आपको नंबर मिलेगा हर जवाब में जो है भाषा प्रयोग जहाँ जहाँ आता है ये जो है उसी का जवाब उसका वही होता है। ये आपके आपने समझ कर चलना है तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो। और आप आखिरी क्वेश्चन की तरफ आते हैं। काफ़ी ज़्यादा मैसेज मिलने के बाद हमने हिंदी के डबल वीडियो क्रिएट किए, नहीं तो हम सारे वीडियो जो है एक वीडियो बना रहे हैं। देखिए स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता कौशल और सोच की विकसित करना और सोच को विकसित करना, चार ऑप्शन आपके पास दिए गए कि भाषा शिक्षण को किसी प्रकार की दिशा नहीं देता, भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य। देखिए एकमात्र वाली चीज़ भी नहीं आती है, ये नेगेटिव चीज़ हो जाती है। एकमात्र वाली चीज़ भी नहीं आती, केवल वाली चीज़ कभी नहीं होंगी। भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो ये दो पर्याय आपके सामने बचे, एक और चार। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका सही जवाब क्या है और आपको ये जवाब देना है। और वीडियो कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट कर आप ज़रूर बताएंगे। अगर आप हमें मोटिवेट देंगे हिंदी भाषा को लेकर, क्योंकि हिंदी भाषा के बारे में कोई डेटा महाटेट का अवेलेबल नहीं है यूट्यूब में, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए। हम आपके लिए इसी तरीके से पूरे 58 दिन, अगले 58 दिन हिंदी विषय मानो आपका हमारे तरफ लग गए, हम आपको हिंदी विषय पास करवा कर देंगे पूरी गारंटी के साथ। सिर्फ आपने जो है हमको सपोर्ट करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और इसका जवाब, इस क्वेश्चन का जवाब आपने कमेंट्स बॉक्स में देना है। वीडियो बेहतर लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में किसी बेहतर अपडेट के साथ।